गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग में। और अभी समय है सुबह का और मैंने गर्म पानी पी लिया है। मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय, और चाय बना करके मैं लगाऊंगी बालों में मेहंदी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी बहुत अच्छे से भीग गई है। ये लोहे की कढ़ाई में भिगोई थी तो काली भी हो गई है, और मुझे भिगोए हुए कम से कम 3 से 4 दिन हो गए हैं। तो अब बस बालों में लगा लेते हैं। और यहाँ पर मैं मेहंदी लगा रही हूँ। मेहंदी लगाने के लिए कोई दूसरा है नहीं, जो मैं खुद ही लगा रही हूँ। वरना क्या होता है, कोई दूसरा होता ना तो वो सही ढंग से तरीके से आपके मेहंदी लगा देता है। और मैंने आपको बताया नहीं, ये जो मेहंदी मैं लगा रही हूँ वो लाल मेहंदी है जो हम हाथों के लगाते हैं, काली मेहंदी नहीं है। क्योंकि मैंने सुना है काली मेहंदी बालों को नुकसान पहुंचाती है और शायद बालों को सफ़ेद कर देती है, तो मैं काली मेहंदी नहीं लगाती, मैं लाल मेहंदी लगाती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब काले बालों में से वो हल्का हल्का लाल रंग नज़र आता है ना, जैसे कुछ लोग पार्लर जाके वो लाल रंग करवाते हैं बालों में, पर मैं मेहंदी लगाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और मेहंदी में मैं काफ़ी कुछ सामान डालती भी हूँ तो मेरे जो बालों को पोषण भी मिल जाता है। और बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैं बालों में मेहंदी लगा लूँगी। पहले मैं बीच में इसे स्टार्ट करती हूँ लगाने के लिए, फिर एक 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 लेयर करके। और पहले तो क्या होता था, मेरे हाथों में ग्लव्स भी थे पहनने के लिए, अभी ग्लव्स ख़त्म हो गए तो मैं हाथों से ही लगाती हूँ, थोड़े हाथ गंदे भी होते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो मेहंदी पूरी लग चुकी है। अभी मैं शावर कैप पहन लूँगी ताकि अगर इधर उधर गलती से सर टच भी हो जाए तो मैं कहीं ख़राब ना कर दूँ। क्योंकि कई बार मालूम नहीं चलता, आप बर्तन साफ़ करते हो, सिंक में झुकते हो, ऊपर जो अलमारी है किचन वाली उसमें टच हो जाते हैं। तो शावर कैप पहनने से थोड़ी सेफ्टी रहती है। और 2-2.5 घंटे जितना भी रख पाऊँगी मैं रख लूँगी। उसके बाद अच्छे से शैम्पू से और कंडीशनर से इसको वॉश कर दूँगी। कुछ लोग बोलते हैं शैम्पू कंडीशनर नहीं करना चाहिए उसी वक्त, पर मैं तो कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा स्मेल अच्छी नहीं लगती मेहंदी की। तो हैंड टू हैंड मैं इसे अच्छे से धो लूँगी। और मेहंदी लगाने के बाद मैं आ गई हूँ प्रेस करने के लिए। साथ ही मैं अपनी चाय ख़त्म कर लूँगी, चाय भी पी लूँगी और फिर प्रेस कर लूँगी। हम लेडीज़ को कितनी भाग दौड़ रहती है ना, एक काम किया उसके साथ दूसरा काम, तीसरा काम, एक साथ कोशिश करते 10-12 हाथ हमारे हो जाने चाहिए। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बना रही हूँ पिंडी छोले, जिसके लिए मैंने कुकर में छोले डाल दिए हैं। छोले को मैंने अच्छे से भिगो लिया था और इसमें डाला है नमक, कसूरी मेथी और खाने वाला सोडा। और यहाँ पर मैंने पानी उबाला है पिंडी छोले उबालने के लिए, इसमें मैंने चाय पत्ती और कुछ गर्म मसाले डाले हैं। और यहाँ मैंने तेल भी रख दिया है साइड में, ताकि मैं साथ में ही साथ मसाला भी साइड में बनाती रहूँ, जिसके लिए मैंने प्याज हरी मिर्ची काट लिया है। और जो पानी मैंने उबाला है वो हम अभी कुकर में छान करके डाल देंगे, और फिर कुकर को बंद करके हम कम से कम 5 से 6 सीटी आने तक चने को उबालेंगे। आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा उबालते टाइम मीठा सोडा, नमक और ये पानी डालें, और 5 से 6 सीटी आने तक अच्छे से उबाल लें तो आपके छोले एकदम अच्छे से उबल जाएंगे। और पिंडी छोले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर आप इस तरीके से पिंडी छोले बनाते हो तो। और बस कुकर की सीटियाँ बजेगी जब तक मैं साइड में मसाला बना लूँगी। और यहाँ आप देख सकते हो मसाला लगभग पक ही गया है और मसाले में से तेल अलग भी हो गया है। और हम ये खाने वाले हैं आज कुलचे के साथ। और हमने जो मसाला बनाया है, अब उबले हुए छोले हम इसके अंदर डाल देंगे। और आप देख सकते हैं छोले बहुत अच्छे से उबल गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत ही प्यारा आ गया है। तो बस अभी हम ये छोले कढ़ाई में डालेंगे और वापस गैस को ऑन करेंगे और थोड़ी देर इसे मसाले के साथ पकाएंगे। और यहाँ हमारे पिंडी छोले एकदम तैयार है, जहाँ आप देख सकते हो तेल भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। और अभी मैं बनाऊंगी नाश्ता, जिसके लिए मैंने प्याज हरी मिर्च धनिया काट लिया है, उसमें थोड़ा नमक और मिर्ची और पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दी है। मैं बनाऊंगी बटर गार्लिक चीज़ सैंडविच। और यहाँ पर सैंडविच के लिए मैंने बटर तैयार कर लिया है, जिससे बहुत ही यम्मी सैंडविच बनते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा होता है सैंडविच का इससे। और अभी हम बनाएंगे सैंडविच, जिसमें ब्रेड लगाएंगे, ब्रेड के ऊपर ये चीज़ स्लाइस लगाएंगे। और अगर आपके पास चीज़ स्लाइस नहीं है तो जो छोटे वाले प्रोसेस चीज़ आते हैं, क्यूब्स आते हैं, वो भी आप इस प्याज में किस के और सैंडविच बना सकते हैं। बस थोड़ा सा मसाला लगाएंगे। और हमने जो ये बटर तैयार किया है, इसी में हम सैंडविच को सेकेंगे, जिससे सैंडविच का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरीके से पहले सारे सैंडविच तैयार कर लेते हैं, फिर एक साथ ही हम सेक लेंगे। और लाइटें जा चुकी है,
और यहाँ साथ के साथ सुबह उठते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि सब्जी क्या बनाएं, लंच में सब्जी क्या बनाएं, ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं और शाम को डिनर में क्या बनाएं। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है? पहले तो बच्चों का टिफ़िन भी था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उठते ही वो होती थी कि पहले बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाऊँ। दो बच्चे हैं तो किसी को कुछ खाना था, किसी को कुछ। कभी कभी होता था कि मैं बच्चों के लंच बॉक्स में भी दो अलग अलग वेरायटी बनाती थी, उसके बाद सब्जी बनाती थी, फिर वॉक पर जाती थी, फिर वापस आकर के नाश्ता बनाती थी। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती थी, तो अभी तो सिर्फ सब्जी और ब्रेकफास्ट ही होता है। और यहाँ पर मेरे सैंडविच सीख रहे हैं, और पतिदेव जब भी ब्रेड लाते हैं, ये छोटी वाली ब्रेड ले आते हैं, ये किसी काम की नहीं, हाथ में आती ही नहीं है। और यहाँ पर सैंडविच सेकते सेकते मैं साइड में चाय भी बना लूँगी ताकि नाश्ता करते बार बार उठना ना पड़े। मुझे बड़ा ख़राब लगता है कि अगर मैं कुछ खा रही हूँ और मुझे बीच में उठना पड़े। जो भी सामान है वो एक बार में ला कर के रख दो, यूँ नहीं कि आप बैठ गए फिर आपको उठा रहे हैं, आप ये लेके आओ वो लेके आओ। और जब पतिदेव नाश्ता करते हैं तो उनको ये भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए, ये भी ला के सब उनके पास में रख दो। तो मेरी कोशिश रहती है कि वो ब्रेकफास्ट करें तो पहले उनके सारी ज़रूरत का सामान उनके पास रख दूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करने बैठूँ। तो बस अब मेरा नाश्ता बन जाएगा और मैं नाश्ता करके चाय पी के फिर आपसे मिलती हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने किया सारे घर का काम, झाड़ू पोछा और सारा काम करके नहा करके अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने छोले फिर से गर्म करने के लिए रख दिए हैं और यहाँ पर मैं कुलचे गर्म कर रही हूँ। कुलचे मैं रेडीमेड लाई थी, मैंने घर पे नहीं बनाए, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, हम दो लोग हैं खाने वाले। तो बस कुलचे गर्म करेंगे, खाएंगे और फिर हम सो जाएंगे और फिर मिलेंगे आपको सीधा शाम को। और अभी है शाम का वक्त, कम से कम 4 बजी है और हम नींद लेके उठ गए हैं और हमने हाथी घोड़े गधे जितने भी कुछ हो सब बेच बात के हम लोग ऐसा सोए कि मस्त वाली नींद आई, क्योंकि बहुत अच्छे वाला लंच किया था। अब बस शाम का टाइम है, चाय बना रही हूँ, चाय पीऊँगी और साथ के साथ मैं दूसरे काम भी साइड में करती रहूँगी क्योंकि मैं जाने वाली हूँ आज ज्वेलर के पास। और यहाँ मैं फ्रूट चाट की तैयारी करके चली जाऊँगी क्योंकि मैं अभी किसी काम से बाहर जाने वाली हूँ, तो सारे फ्रूट्स मैं काट दूंगी। और अभी मैं काटूंगी अनार, तो फ्रूट चाट के लिए सब फ्रूट काट के फ्रिज में रख जाऊंगी। वापस आने के बाद इसमें खाली चाट मसाला डालूंगी और हमारा फ्रूट चाट तैयार है। और इसमें मैंने सारे फ्रूट डाले हैं, चीकू है, अंगूर है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है और अभी अनार ऑरेंज काटूंगी। और यहाँ पर लगभग मेरी चाय बन गई है और यहाँ पर भेल की तैयारी भी मैं करके चली जाऊंगी। ये जो मुरमुरे होते हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हो, हम तो इसको फुलियाँ बोलते हैं। तो फुलियों को मैं 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भूनूंगी और फ्लेम को बंद कर दूंगी और जितने भी सूखे मसाले हैं वो इसमें मिला करके चली जाऊंगी। उसके बाद आने के बाद मुझे जो सब्जियां इसमें डालनी है वो डालेंगे और चटनी डालेंगे, जो भी हमें डालना है वो सब गीली चीज़ें बाद में डालूंगी, सूखे मसाले पहले डाल दूंगी। तो आज हमारा डिनर यही होने वाला है, स्वादिष्ट सी भेल, चटपटी सी, और हमारा फ्रूट चाट, और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग दूध पियेंगे। तो बस यही डिनर है। और अभी मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको तैयार होने के बाद बताने वाली हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इस टाइप के वीडियो आपके बहुत फेवरेट रहते हैं। अब देखो वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो फटाफट चाय पी करके तैयार होके फिर आपसे मिलती हूँ। अभी हम लोग तैयार होके निकल गए हैं और मैं जा रही हूँ ज्वेलर के यहाँ। ज्वेलर के यहाँ मुझे थोड़ा बहुत काम है, मेरा मंगलसूत्र है जिसका जोड़ खुल गया है, जॉइंट जो यहाँ से पैक होता है ब्रेकर, तो वो खुल गया है, वो ठीक करवाने हैं। और चांदी की पायल है सुनीता की मेरे पास, तो उसके लिए जोड़े, वो पायल देकर जोड़े लेने हैं। और एक सोने की अंगूठी है जिसके जो मोती होते हैं साइड में मोती वाले डिजाइन है, वो मोती खराब हो गए हैं, उसको चेंज करवाना है। और 2 एयरिंग्स हैं जिनका जोड़ खुल गया है तो उसको सही करवाना है। तो बस ये छोटे मोटे काम हैं, इसीलिए जा रही हूँ ज्वेलर के यहाँ। और देखते हैं अगर कुछ नई ज्वेलरी दिखी मुझे, कुछ अच्छे डिज़ाइन दिखे जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। और डिनर की लगभग मैं सारी तैयारी करके आई हूँ, सारे फ्रूट्स काट के आई हूँ, फ्रूट्स फ्रिज में रख दिए हैं और मैंने भेल के लिए फुलियाँ भून दी है, सूखे मसाले सब डाल दिए हैं। जाने के बाद बस मुझे प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया, नींबू और जो गीली चीज़ें होती है वो सब डालनी है और हमारा डिनर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कुछ नई ज्वेलरी की डिज़ाइन। और ज्वेलर की शॉप पे हम पहुंच चुके हैं और जो सामान मुझे ठीक करवाने के लिए देना था वो मैंने दे दिया है, वो ठीक होकर के आएगा। जब तक मैं आपको दिखा रही हूँ चांदी के जोड़े और मैं भी देख रही हूँ और सुनीता को वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी, उसको जो पसंद आएगा वो उसके लिए लेकर के जाऊंगी। और बहुत सारे चांदी के जोड़े दिखाए, कुछ मुझे पसंद आए कुछ नहीं, और इनमें से एक था जो सुनीता को पसंद आया
तो बस वही मैंने फाइनल कर दिया और मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोग इन केस लेना चाहते हो, आप सोच रहे हो लेने की या बनवाने की, तो आप यहाँ शॉप से, अगर जोधपुर में हो तो इस शॉप पे आके ले सकते हो। मैंने बताया पहले भी आपको, मेड़ती गेट में है शॉप का नाम है ओम प्रकाश बिरदी चंद। बहुत टाइम से हम लोग यहीं से ज्वेलरी बना रहे हैं और ये वाले जोड़े सब मुझे बहुत पसंद आए थे। घुंघरू वाले मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और यहाँ पर एक ये आर्ट तैयार थी, किसी के ऑर्डर पे थी, किसी ने बनवाई थी, तो मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगा। एकदम ट्रेडिशनल आर्ट है और इसके कलर मल्टी कलर थे, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन था। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप आने वाले टाइम में गोल्ड की आर्ट बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हो, आपके घर में शादी है तो भी आप बनवा सकते हो। और इसी के साथ मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वाला हार। ये हार भी बहुत सुंदर था, मल्टी कलर नग थे, मोती थे, और ये करीबन 3.5 तोले का हार था। मैंने पूछा था, बिना कानों के थे और 3.5 तोला का हार था, तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलो ये भी शेयर कर देती हूँ। और कुछ ज़्यादा नई ज्वेलरी आई हुई नहीं थी, मतलब जितने भी डिज़ाइन थे मैंने लगभग आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। पुराने ब्लॉग आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। और इतने में ही हमने जो सामान रिपेयर करने के लिए दिया था वो सब आ गया है, तो मिलते हैं थोड़ी देर। तो चलिए जी, ज्वेलर के यहाँ से निकल गए हैं और आज मैंने ज़्यादा ध्यान दिया चांदी की ज्वेलरी पे, क्योंकि मुझे वो पायल के वो जोड़े लेने थे और कुछ कानों के ठीक करवाने थे। जो भी छोटा मोटा काम था वो सब करवा लिया है। और गोल्ड में आज ज़्यादा कुछ दिखाने लायक था नहीं, लगभग जितना था मैंने आपको पहले दिखा दिया। और बस अब घर के लिए निकले हैं और मैं रुकूंगी चक्की पे, चक्की से मैं लूंगी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। और मिर्ची और धनिया पाउडर मैंने ले लिया है और अभी रुकेंगे हम लोग। और अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और मैं बना रही हूँ भेल, जो मैं सूखी भेल बना करके गई थी। अब इसमें प्याज टमाटर इमली की चटनी ये सब डालूंगी और थोड़े से अनार डालूंगी, तो भेल तैयार करेंगे। और फ्रूट्स मैं पहले से काट के गई थी, तो बस अब इसमें चाट मसाला डालेंगे और यही होने वाला है आज हमारा डिनर। और मैं आते वक्त लेकर के आई थी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, मैं चक्की से ही लेती हूँ धनिया और मिर्ची पाउडर दोनों। और मैं ज्वेलर के यहाँ से क्या लेकर के आई हूँ और क्या ठीक करवाया है वो मैं आपको कल सुबह बताऊँगी। अभी तो बस डिनर करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और सो जाएंगे, कल सुबह आपसे मिलेंगे। और वैसे गोल्ड में आज ज़्यादा वैरायटी मैंने आपको दिखाई नहीं, क्योंकि सेम वही डिज़ाइन थे, कुछ नया था नहीं। कभी जाऊंगी और कुछ नया डिज़ाइन होगा तो आपके साथ शेयर करूंगी। और चांदी में जो भी जोड़े सब मुझे पसंद आए थे, मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे और हम लोग आए हैं अशोक उद्यान मॉर्निंग वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कल मैं ज्वेलर के यहाँ क्या काम गई थी। वैसे कोई बड़ा काम तो था नहीं, जितना भी था छोटा मोटा, सबसे बड़ा काम तो जो था चांदी के ये जोड़े लेना। आप लोग इसको क्या बोलते हो जो चांदी के कड़े पहनते हैं, उसे आप लोग क्या बोलते हो? हम तो जोड़े बोलते हैं। तो वो सुनीता ने पायल दी थी और बोला था ये पायल मैं पहनती नहीं हूँ, बहुत हैवी है, तो मुझे ये देख करके और ऊपर कितने रुपए लगेंगे तो आप मुझे ये जोड़े ला करके देना, तो वो लेके आई हूँ। अभी आपको डिज़ाइन दिखाऊंगी। और ज्वेलर के यहाँ कल गई थी तो मैंने आपको चांदी के जोड़े दिखाए थे और ज़्यादा कुछ नया डिज़ाइन था नहीं। एक आड़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, उसका डिज़ाइन मुझे बहुत सुंदर लगा। मुझे लगा कि हाँ वो मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो कलर्स थे बहुत प्यारे थे, डिज़ाइन बहुत प्यारा था। और एक हार था जो शायद 3.5 तोले का कुछ था, शायद मैंने बताया होगा आपको वीडियो में, तो वो मुझे अच्छा लगा। बाकी सब चांदी के सामान थे, तो ऐसा कुछ खास नए डिज़ाइन थे नहीं। और फिर कभी जाऊंगी, नए डिज़ाइन होंगे तो आपके साथ शेयर करूंगी, पर अभी मैं दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या ठीक करवा के लाई थी। तो सबसे पहले दिखाऊंगी ये अंगूठी। ये अंगूठी मम्मी ने, सुनीता की एक फ्रेंड है शमा, उनकी शादी में उनको गिफ्ट की थी और बहुत साल हो गए, उन्होंने शायद ज़्यादा पहनी है, तो इसके जो ये मोती है वो निकल गए थे और थोड़े जो थे वो भी ख़राब हो गए थे। तो
इसको ठीक करवाए, मतलब ये नए मोती डलवाए हैं और यहाँ पे एक नग निकल गया था तो वो नग लगवाया है, तो आप देख सकते हो एकदम पहले जैसी हो गई है। और मीना के थे कानों के, अब पता नहीं उसके क्या हुआ, कैसे खुल गया। हालांकि जो चांदी ये सोने के जो सेट है, ये वाले इसका जो सेट है, ऐसा मम्मी ने हम चारों बहनों को सवा तोले का बाड़ रुकाई में दिया था जब अज्जू की शादी थी। मीना अज्जू की शादी एक ही मंथ में थी, आपको याद होगा पिछले साल मेरे सिस्टर की मेरे भाई की शादी थी जनवरी में, 26 जनवरी की थी मीना की शादी, 28 जनवरी की थी अज्जू की शादी। तो अज्जू की शादी में हम चारों बहनों को मम्मी ने दी थी ये बाड़ रुकाई में, एक नेकलेस दिया था और ये कानों के दिए थे। और इसकी पूरी ज्वेलरी का ब्लॉग मैंने बना रखा है, पूरा वीडियो बना रखा है, आप देखो मैं कब शेयर करूंगी। जो भी अज्जू को, अज्जू की दुल्हन के लिए जो बरियां गहने बनवाए थे वो भी है, मीना के लिए जो ज्वेलरी बनवाई थी उसके ससुराल वालों को देने के लिए या हम बहनों को देने के लिए, उसका पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अब मुझे पता नहीं मैं कब उसको अपलोड करूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी जल्दी करूँ। तो मीना के क्या है, ये कानों के यहाँ से जोड़ खुल गया था तो उसको मैं सही करवा के ले आई हूँ। तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ, भाई तुम्हारी ज्वेलरी को ना काला टिक्का या काला धागा बांध लो, क्योंकि उनकी ज्वेलरी जब भी कहीं भी वो जाते हैं ना, हमेशा लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं कि आपका, जैसे ये हमने सेट ये वाला पहना ना, जब जब सबने देखा सबने बोला बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। मीना का नेकलेस है वो भी बहुत सुंदर डिज़ाइन है, उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और मतलब ये और सारी ज्वेलरी हम यहाँ मेड़ती गेट से बनवाते हैं, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। मेरे ससुराल की ज्वेलरी, मायके की ज्वेलरी, सारी ज्वेलरी टोटल हम लोग, यहाँ तक कि मेरे ननियाल वाले भी यहीं से ज्वेलरी बनवाते हैं। और ये जोड़े लिए हमने सुनीता के लिए, एक एक करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, उसको मैंने वीडियो कॉल किया था और बोला था भाई तुझे जो पसंद आए तो वो तू हाँ बोल दे, तो ये सुनीता को पसंद आया तो बस ये सुनीता के लिए लिए थे। बस ये तीन काम थे मुझे। हाँ, एक मेरा मंगलसूत्र, जब संतोष जी के यहाँ फाग उत्सव में गए थे ना, तो पता नहीं कैसे हाथ से लगा और वो उसका जोड़ खुल गया मंगलसूत्र का, तो मेरे मंगलसूत्र को भी ठीक करवाना था, तो वो ठीक होके आ गया है। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग में कुछ भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस ब्लॉग को देख रहे हो उसको लाइक करना मत भूलिएगा यार, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना और शेयर करना, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल पैसे नहीं लगते। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है, आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक से मेरा भला हो जाएगा। या तो आप लोग शायद है ना देखने में इतना खो जाते हो ना कि आप लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि लाइक ज़रूर करना। और पूरे ब्लॉग में अगर इतनी सी भी कोई चीज़ पसंद आई है तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना, आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहता है। जब भी ब्लॉग अपलोड होता है तो मैं इंतज़ार करती हूँ कि बस अभी कमेंट आएगा, अभी कोई कुछ लिखेगा, लेकिन आप लोग तो देख के निकल लेते हो, लेकिन प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में।